हेलो एवरीवन, मैं रेखा कुशवाहा फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू वीडियो के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टॉपिक। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑफिशियल लिंक है इन्फो टीचिंग के, जिनसे आप जुड़ सकते हैं और ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सो सब्सक्राइब करें इन्फो टीचिंग को ताकि आपको रेगुलर अपडेशन के साथ साथ नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। सो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है KVS की जो न्यू वैकेंसीज आई हैं हमारी 2018 के अकॉर्डिंग, वहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे सामने, विच बुक इज़ बेस्ट फॉर टीचिंग मैथडोलॉजी। वैसे लास्ट वीडियो मैं लेकर आई हूँ जिसके अंदर मैंने सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आप लोगों को हर बुक के बारे में बता रखा है। जितने भी हमारे KVS में सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो सबसे रिकमेंडेड बुक है वो कौन सी होगी, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। बट एक क्वेश्चन अगेन मेरे सामने ये चीज़ पूछी गई है कि टीचिंग मैथडोलॉजी के लिए हमें अच्छे से तैयारी कैसे करनी है। टफेस्ट सेक्शन माना जाता है तो इसको ईजी कैसे बनाना है, स्पेशली PRT, TGT एंड PGT में। सो डिस्कस करेंगे इसको, अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या चीज़ें इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी तैयारी को बेस्ट बनाना है हमें टीचिंग मैथडोलॉजी में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने थोड़ा डिस्कस कर रखा है, देखिए इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट सेक्शन ऑफ KVS एग्जाम। ये चीज़ थोड़ा सा कहने वाली भी होगी और जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी KVS का जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए एक माइंडसेट में ये भी चीज़ होगी कि टफ सेक्शन होता है हमारा टीचिंग मैथडोलॉजी का। बट एक चीज़ देखी जाए, अगर आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, सारे के सारे थ्योरीज क्लियर हैं टीचिंग मैथडोलॉजी से रिलेटेड, तो आप इजीली 30+ गेन कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर वीक और एवरेज इन दिस सेक्शन देन मेक स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू गिवन बिलो टॉपिक। यहाँ पर मैंने 11 टॉपिक्स दे रखे हैं और एक और 12 यानी कि 12 नंबर का जो टॉपिक है वो हमारा स्टेटमेंट से रिलेटेड, इसे मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस कर दूंगी। बट यहाँ पर जो 11 टॉपिक्स दे रखे हैं इनको आपको अच्छे तरीके से करना होगा अगर आप वीक हैं या एवरेज हैं और आप स्कोर करना चाहते हैं 30+। तो ये देखिए 11 टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको करना ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा एप्टीट्यूड एंड डेवलपमेंट और स्टूडेंट, 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन में से आप 3 to 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डेवलपमेंट टीचर एजुकेशन इंडिया से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू स्कूल एंड न्यू फाइंडिंग एक्टिविटी से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैथड्स एंड थ्योरीज में से 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिपोर्ट एंड टेस्ट में से 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी ऑफ टीचर इंक्लूसिव एजुकेशन से 4 to 5 क्वेश्चन। लर्निंग एंड पैडागॉजी से 4 to 6 क्वेश्चन। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड सोसाइटी से 3 क्वेश्चन। टीचिंग एबिलिटी या एप्टीट्यूड या स्किल्स से 3 to 5 क्वेश्चंस एंड कंडीशन बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो होंगे आपके 4 to 5। यानी कि इन्हीं 11 टॉपिक्स में से आपके 40 क्वेश्चंस बनेंगे और जिसमें आप इजीली कवर कर सकते हैं 30+ या 35+। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी थ्योरी को मिस ना करें जो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट दे रखे हैं उनसे रिलेटेड। आगे देखते हैं, सबसे जो एडवांस लेवल पर अगर हमें जाना है यानी कि अगर हमें अच्छे तरीके से 30+ गेन करने हैं तो कुछ एडवांस चीज़ें हमें यहाँ पर गेन करनी होंगी। जैसे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है मैंने जनरल नॉलेज ऑफ एजुकेशन, आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब तक की हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, ओनली ऑन रिलेटेड टू एजुकेशन, वो क्वेश्चंस भी हमें ज़रूर पूछे जाएंगे KVS में। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग 2015 का ही हमारे सामने क्वेश्चन है और ये रिपीट हुआ है हमारा 2017 में। देखिए क्या क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। सो कौन से आर्टिकल में ये चीज़ कही है, यानी कि संविधान के किस प्रावधान के अनुसार सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे वे धर्म पर अथवा भाषा पर आधारित हो, अपनी इच्छा अनुसार शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार उन्हें दिया गया है। सो ये बात कौन से सेक्शन में कही गई है, ये कही गई है आर्टिकल 29 में, यानी कि सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे जो हमारे GS क्वेश्चन है जो हमारे रिलेटेड है एजुकेशन से, वो भी आपको करने ज़रूरी हैं। एक और एग्जांपल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनिस्ट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंट्रोड्यूसिंग मॉन्टेसरी एजुकेशन मेथड टू चिल्ड्रन इन इंडिया। यानी कि निम्नलिखित में से किस शिक्षाविद ने भारत में बच्चों की शिक्षा में मॉन्टेसरी शिक्षा विधियों के प्रचलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो रोहित धनखड़ है, सावित्रीबाई फूले हैं,
ये जो भाई बड़े का है या एनी बेसेंट है, तो इनका जो सही आंसर है वो है हमारा थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ये जो भाई बड़े का ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है मॉन्टेसरी शिक्षा में, मॉन्टेसरी शिक्षा में। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे जीके से रिलेटेड है और करंट अफेयर्स भी बन सकते हैं हमारे एजुकेशन से रिलेटेड, तो इन चीज़ों को, इन क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। देन देखिए एक और पॉइंट हमारे एडवांस लेवल में चलता है कि रिलेटेड टू फेमस एजुकेशनिस्ट, यानी कि जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपने अपना अपना योगदान दिया है, अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं, तो उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें उन्हें भी इग्नोर नहीं करना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, उन्होंने क्या किया है और उनका जो मतलब कि योगदान है वो किससे रिलेटेड है, तो वो चीज़ें भी आपको कवर करनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसॉफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट द नेम कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मास्लो आर एसोसिएटेड, यानी कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक विचारधारा के साथ कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मास्लो का नाम जुड़ा हुआ है, ह्यूमनिज्म, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म या प्रैग्मेटिज्म, यानी कि मानवतावाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद या प्रयोजनवाद। तो कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मास्लो का जो लिंक है या उनका जो नाम जुड़ा हुआ है मानवतावाद से जुड़ा हुआ है, यानी कि ह्यूमनिज्म से जुड़ा हुआ है। तो जो क्वेश्चन साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड होते हैं या हमारे जो फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से कवर करना है। आगे देखिए यहाँ पर तीन पॉइंट्स दे रखे हैं मैंने, इन तीनों पॉइंट्स को भी हम थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे अपने केवीएस के सेक्शन को, टीचिंग मेथडोलॉजी के सेक्शन को अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए, बेस्ट बनाने के लिए। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है रिलेटेड टू साइकोलॉजिस्ट स्टेटमेंट, ये मैं बार बार मैं आप लोगों को कह चुकी हूँ कि जैसे साइकोलॉजिस्ट स्टेटमेंट, यानी कि हमारे सामने कितने सारे स्टेटमेंट्स आती हैं, कितने सारे हमने अभी तक तैयारी की है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए खेल ही बच्चों का कार्य है, ये सर्वप्रथम किसने दिया है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और ये दिया है मॉन्टेसरी ने। तो ऐसी स्टेटमेंट्स जो बच्चे से रिलेटेड होती है और उसके बारे में फिर ये पूछा जाए कि ये किसने कहा है, तो ऐसी स्टेटमेंट, ऐसे कथन को भी आपको इग्नोर नहीं करना है जो हमारे साइकोलॉजिस्ट के स्टेटमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन इज मस्ट। मस्ट का मतलब होता है कि चार या पांच क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे जो कंडीशन बेस्ड होते हैं। कंडीशन बेस्ड कौन से होते हैं क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल के लिए जहाँ पर कंडीशन दी जाती है एज अ टीचर आपको सोचना होता है कि आपको उस समय क्या करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपसे, आपके सामने पर्टिकुलर कोई बच्चा है और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि कक्षा पाँच में विद्यार्थियों को वर्ग का प्रत्यय पढ़ाने के बाद एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चंस जो कंडीशन बेस्ड होते हैं वहाँ पर आपको अपना एक मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना मत देना होता है, अपना आइडिया देना होता है, अपना आंसर बताना होता है, तो वो होते हैं हमारे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन जो चार से पाँच क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सम करंट न्यूज़ अबाउट एजुकेशन, जो जीएस से रिलेटेड था वही पोर्शन मैंने करंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग बताया कि करंट न्यूज़ से भी रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि 2016 में एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आया है, सीसीई पैटर्न क्या है, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। तो ये तीन पैटर्न हमारे टीचिंग मेथडोलॉजी से रिलेटेड है। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको इसके अंदर ही मिल जाएंगे जो हमारे कंडीशन बेस्ड भी हो सकते हैं और हमारे एटीट्यूड से भी रिलेटेड हो सकते हैं। टीचिंग स्किल्स, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके अंदर ही इंक्लूड होती है। तो ये साइकोलॉजिस्ट यानी कि जो हमारे मनोवैज्ञानिक है उनसे रिलेटेड जो परिभाषा है उनको भी आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये था हमारे टीचिंग मैथडोलॉजी को अच्छे से कवर करने का पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से हमें टीचिंग मैथडोलॉजी की तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किन किन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। सो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरीके से हमें अच्छे से तैयारी करनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी फर्दर कंटेंट अबाउट टीचिंग एग्जाम। सो अपना सपोर्ट बनाने के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट एंड फीडबैक के अकॉर्डिंग बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक था, जो आप लोगों का जो क्वेश्चन था उसका आंसर जो मैंने पर्टिकुलर बताया है कैसा लगा। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।